आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जनता दल यूनाइटेड के खाते में 12 सीटें और रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें दी जाएंगी। उधर हाल ही में खीर पॉलिटिक्स के सहारे एनडीए में दबाव बनाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अगर एनडीए के साथ रहती है तो उसके खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, लेकिन जेडीयू की माने तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। समय आने पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। 40 सीटें लोकसभा की जो है, 40 सीटें एनडीए अपनी जीत दर्ज करेगी, उस पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। और जहाँ तक सीटों के बंटवारा का है, कौन सी पर कौन लड़ेंगे, कितने पे लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, यह सारा हमारे केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इस पर मुझको कुछ बोलना उचित नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू को यूपी और झारखंड में एक एक सीटें बीजेपी दे सकती है। इसके अलावा आरएलएसपी से बागी तेवर अपना चुके जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार को भी सीटें दी जाएंगी। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार बीजेपी ने भी चुप्पी साध ली है। बीजेपी का मानना है कि यह फैसला केंद्र नेतृत्व तय करेगा और कभी भी सीट बंटवारे पर घोषणा हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो चुकी है। खुद नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कहा था कि 5 अगस्त तक घोषणा हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। जेडीयू अब भी चाहती है कि बिहार में उन्हें बड़ा भाई का दर्जा मिले और उसके हिसाब से सीट बांटी जाए। रालोसपा की अलग महत्वाकांक्षा है, ऐसे में बीजेपी को आसान नहीं है एक फॉर्मूला पर सहमति बनाना। अब कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है, कहां गया जेडीयू की 25 सीटों की दावेदारी। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।